आज ब्लॉक भूता में प्रधान संगठन की तरफ से समस्त ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक में आक्रोश प्रदर्शन किया और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। तीन दिन पहले हुए शाही थाना क्षेत्र के सांड के हमले में किसान की मौत के बाद एडीओ पंचायत राजीव शर्मा ने प्रधान मीना देवी और सचिव श्रीपाल गंगवार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है। वहीं आज में आक्रोशित ग्राम प्रधानों ने विकास खंड भूता पहुंचकर खंड विकास अधिकारी का घेराव किया और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुकदमे को खत्म करने की मांग की। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा ग्राम प्रधानों ने। क्या मांगे हैं, कौन सा ब्लॉक है और किस चीज को लेकर आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं? हम लोग विकास खंड भूता के प्रधान हैं और हमारी मांगे ये हैं कि जो परसों शेरगढ़ ब्लॉक में जो प्रधान और सचिव पे जो मुकदमा लिखा गया है वो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। वो मुकदमा वापस लिया जाए व आगे को प्रधानों के या सचिवों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई ना की जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो ये सांड देवता है ये एक हिंसक पशु है। हिंसक पशु होने के कारण कई जगह महिला प्रधान भी है जैसे उन पर मुकदमा लिखा गया, क्या महिलाएं इसको पकड़ सकती हैं? इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक प्रशिक्षित जो टीम है उसका गठन किया जाए, वही इन लोगों को पकड़े, इनको सांडों को या जो भी नंदी बाबा हैं इनको पकड़ के और इनकी भी एक अलग से एक व्यवस्था बनाई जाए ताकि इनको वहाँ रख सकें। क्योंकि जो केयर टेकर हम लोगों ने गौशाला में रखे हैं वो केयर टेकर भी जो केयर टेकर हम लोगों ने गौशाला में रखे हैं वो केयर टेकर भी वहाँ पर काम करना नहीं चाहते इन लोगों के डर की वजह से, क्योंकि ये तो हिंसक पशु है, किसी को भी मार सकता है। तो पहली हमारी मांग ये है कि जो सांडों को पकड़ने की जो मुहिम चलाई जा रही है इसमें केवल प्रधान और सचिव ही जिम्मेदार नहीं है। हम लोग पंचायती राज विभाग से हैं, पशुपालन विभाग इसका जिम्मेदार है। उन लोगों की टीम बनाई जाए, उन लोगों के द्वारा इसको पकड़ा जाए। अगर उनको हमसे मदद चाहिए तो हम मदद के बतौर उनके साथ काम करने को तैयार हैं। लिहाजा जिनको भी काम करना है उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाए और ये जो प्रधान और सचिव पे जो शेरगढ़ ब्लॉक में जो FIR दर्ज हुई है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अन्यथा में हम लोग आज तो हम लोगों का जो धरना था वो क्रमिक था, लेकिन आगे जब हम लोग जिले पे धरना देंगे वो अनिश्चितकालीन धरना होगा और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम लोग धरना खत्म नहीं करेंगे। आज काफी प्रधान यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला है और क्या ज्ञापन दिया गया है? बड़ा आक्रोश दिखाई दे रहा है इनके अंदर प्रशासन को लेकर। सोशल मीडिया के माध्यम से जो संज्ञान में आया है कि पिछले दिनों विकासखंड शेरगढ़ में आवारा सांड ने किसी वृद्ध व्यक्ति की दुर्घटना हो गई है उसके साथ और उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, उसमें कुछ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसी के विरोध में प्रधान संगठन ने विकासखंड भूता में अपनी बैठक का आयोजन किया है। ये विरोध प्रदर्शन के लिए इन लोगों ने किया है, इसकी सूचना हमको संगठन के माध्यम से दी गई है। जिंदाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद।